नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 20 करोड़ के नकली सिगरेट के साथ 9 लोगों को कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार, फैक्ट्री को किया सीज। खबर कैमूर से आ रही है, जहां चांद थाना क्षेत्र के ब्यूरी में सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री को पुलिस ने छापामारी कर उद्भेदन किया है, जहां फैक्ट्री में मशीन से डुप्लीकेट सिगरेट बनाकर मार्केट में ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था। वहीं गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में सिगरेट एवं बनाने वाले उपकरण के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेस वार्ताकार कैमूर SP ललित मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र के ब्यूरी गांव में अवैध सिगरेट का फैक्ट्री चलता है। तभी भभुआ SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उस फैक्ट्री में छापामारी किया गया, जहां छापामारी के क्रम में 12 से 16 लाख बनाए गए सिगरेट और बनाने वाले मशीन एवं उपकरण भी मिला है। सभी नकली सिगरेट की कीमत बाजार में लगभग 20 करोड़ की बताई जा रही है। इसके साथ ही मशीन में काम कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सबसे खास बात यह है कि 16 अलग अलग ब्रांड के नकली सिगरेट बनाए जा रहे थे और नकली सिगरेट को मार्केट में बेचने का काम किया जा रहा था। इस फैक्ट्री के मालिक अभी तक फरार चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि सेलिंग और सरगना कहां कहां तक है, इसको लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र में एक ब्यूरी गांव है, वहीं पर अवैध सिगरेट का फैक्ट्री चल रहा था। उसमें SDPO भंगुआ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने रात्रि में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में काफ़ी संख्या में लोग मैन्युफैक्चरिंग होते हुए पकड़ाया गया। वहाँ पर छापामारी के क्रम में करीब 2 पिकअप वैन पकड़ाया है, करीब 12-16 लाख बना हुआ सिगरेट मिला है। काफ़ी उपकरण वहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 16 अलग अलग ब्रांड के सिगरेट नकली बनाए जा रहे थे, उसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। उसका ये प्रिपेयर पूरा ये वहाँ मिला है और कार्रवाई की जा रही है। मार्केट वैल्यू नकली सिगरेट है तो कुछ है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ के करीब का तो होता है। सरगना जो है ये बनारस का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी चल रही है, छापामारी चल रही है गिरफ्तार करने के लिए, जल्दी उसे गिरफ्तार। सर, पूछताछ में कितने लोग बताए, मजदूर जो हिरासत में ले क्या बताए हैं लोग? देखिए, मजदूर नहीं है, ये सब विशेषज्ञ हैं। पहले भी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आगरा में भी ये लोग पहले करते थे, इस तरह का अवैध सिगरेट का काम करते थे, वहीं से ये लोग आगे काम कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हैं सर? वर्तमान में 9 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये सब लोग रात में सिगरेट बनाने के काम में लगे हुए थे। जहाँ पे सिगरेट बन रहा था उससे करीब थोड़ी दूरी पे एक गोदाम भी था, जहाँ मैन्युफैक्चर सिगरेट को रख देते थे। सर, रात्रि में लोग इस तरह से सिगरेट बनाया करते थे कि रात में ही शुरू करते थे काम, सुबह तक गोदाम को बिल्कुल भी साफ कर देते थे, ताकि सुबह दिन में अगर रेड हो तो कुछ भी साफ नहीं होता। इससे पहले भी कई घटना बन जाता चुका है अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन आगरा में इन लोगों ने पहले ऐसा कुछ बनाया करते थे ये लोग, ये बताया गया है। अभी फर्दे इसका मेन सरगना पकड़ा जाएगा थोड़ा दिन। सर, खपत कहाँ होता था सिगरेट का? क्या 2 महीना से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे थे, तो एक हफ्ता कह रहा है, 2 महीना कह रहा है, बोला कि इसको ठिकाने कहाँ लगाएंगे। सर, कहाँ इसको खपत की जाती? छापामारी जो की गई थी, छापामारी क्रम में 2 गाड़ी पिकअप वैन मिला हम लोगों को गोदाम के पास से, तो वो पिकअप में लोड करके ये लोग UP की तरफ लेकर जाने वाले थे, ऐसा हम लोगों को पता चला है। बाकी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर, कई सालों से चल रहा था धंधा, कुछ पता चला? नहीं, अभी भी ये लोग बता रहे हैं, कोई एक हफ्ता बता रहा है, कोई 2 दिन बता रहा है, कोई 10 दिन से बता रहा है। लोग काम करने की बात बता रहे हैं। सर, कितने दिनों से चल रहा था वो? जब सरगना पकड़ा जाएगा तब हम लोग। अभी सर कितने लोग गिरफ्तारी और कितने लोग से बचे हुए गिरफ्तारी के लिए पुलिस सम्मान कर रहे हैं? 9 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, जो इनके विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी सर सरगना क्या कार्रवाई की जा रही है? देखा गया था, पूर्व में पकड़ा गया था सिगरेट। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? गिरफ्तार करके नए गिरफ्तार पर भेजा जा रहा है। जो कंपनी है उन कंपनी को सूचित किया गया है, उसके ओरिजिनल सिगरेट्स मंगवाए गए हैं, उसका अलग सीजर बना के फोरेंसिक साइंस पर जांच करवाएंगे, साक्ष संकलन करके इन पर हासिल करेंगे। थैंक यू। PO भभुआ के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। लगातार 3-4 दिन से खुद ये रेकी करने गए थे, रात्रि में भी जाकर देखे कि इनको ही पता चला कि दिन में ये लोग नहीं करते, रात में ही करते हैं।
इसके साथ है तो पूरी ऑफिस की टीम की सभी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, इन्हें भी अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। ये गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र में एक जोड़ी गांव है, वहीं पर अवैध सिगरेट का फैक्ट्री चल रहा था। उसमें SDPO भंगुआ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने रात्रि में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में काफ़ी संख्या में जो मैन्युफैक्चरिंग होते हुए पकड़ाया गया वहाँ पर। छापामारी के क्रम में करीब 2 पिकअप वैन पकड़ाया है, करीब 16 लाख बना हुआ सिगरेट बम मिला है। काफ़ी उपकरण वहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 16 अलग अलग ब्रांड के सिगरेट नकली बनाए जा रहे थे, उसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। उसका ये प्रिपेयर पूरा ये वहाँ मिला है, बताना यह भी की जा रही है। मार्केट वैल्यू तो नकली सिगरेट है तो कुछ है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ के करीब का होगा। सरगना जो है ये बनारस का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी चल रही है, छापामारी चल रही है गिरफ्तार करने के लिए, जल्दी उसे गिरफ्तार। सर पूछताछ में कितने लोग बताए मजदूर जो हिरासत में ले क्या बताए हैं? देखिए मजदूर नहीं है, ये सब विशेषज्ञ हैं। पहले भी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आगरा में भी ये लोग पहले करते थे इस तरह का अवैध सिगरेट का काम करते थे, वहीं से ये लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हैं सर? वर्तमान में 9 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये सब लोग रात में सिगरेट बनाने के काम में लगे हुए थे। जहाँ पे सिगरेट बन रहा था उससे करीब थोड़ी दूरी पे एक गोदाम भी था जहाँ मैन्युफैक्चर सिगरेट को रख देते थे। सर रात्रि में ये लोग इस तरह से सिगरेट बनाया करते थे कि रात में ही शुरू करते थे काम, सुबह तक गोदाम को बिल्कुल भी साफ कर देते थे ताकि सुबह दिन में अगर रेड हो तो कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कई घटना बन जाता चुका है सर? अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन आगरा में इन लोगों ने पहले ऐसा कुछ बनाया करते थे ये लोग, ये बताया गया है। अभी फर्दे इसका मेन सरगना पकड़ा जाएगा। सर खपत कहाँ होता था सिगरेट का? क्या 2 महीना से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे तो एक हफ्ता कह रहा है, 2 महीना कह रहा है, बोला कि इसको ठिकाने कहाँ लगाएंगे सर? कहाँ इसको खपत की जाती? छापामारी जो की गई थी, छापामारी क्रम में 2 गाड़ी पिकअप वैन मिला हम लोगों को गोदाम के पास से, तो वो पिकअप में लोड करके ये लोग यूपी की तरफ लेकर जाने वाले थे, ऐसा हम लोगों को पता चला है। बाकी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर कई सालों से चल रहा था धंधा, कुछ पता चला? नहीं, अभी भी ये लोग बता रहे हैं, कोई एक हफ्ता बता रहा है, कोई 2 दिन बता रहा है, कोई 10 दिन से बता रहा है। लोग काम करने की बात बता रहे हैं। सर कितने दिनों से चल रहा था वो? जब सरगना पकड़ा जाएगा तब हम लोग। अभी सर कितने लोग गिरफ्तारी और कितने लोग से बचे हुए गिरफ्तार के लिए पुलिस? 9 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, जो इनके विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी सर सरगना क्या कार्रवाई की जा रही है? देखा गया था, पूर्व में पकड़ा गया था सिगरेट। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? गिरफ्तार करके नई हिरासत में भेजा जा रहा है। कम जो कंपनी है उन कंपनी को सूचित किया गया है, उसके ओरिजिनल सिगरेट्स मंगवाए गए हैं, उसका अलग सीजर बना के फोरेंसिक साइंस पर जांच करवाएंगे, साक्ष्य संकलन करके इन पे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।